हाय फ्रेंड्स, शर्मिष्ठा ब्लॉग्स में सभी को वेलकम। आज फिर से मैं नए वीडियो लेके आप लोगों के सामने आ गई हूँ। आज फ्राइडे है, आज फ्राइडे वाले दिन के ही में मतलब आप धर्मे में जल्दी छुट्टी हो जाता है तो बेटा भी जल्दी आ जाएगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ फटाक से अपना ये क्लीनिंग के काम कर लूँ, फिर साफ सफाई हो जाए, फिर मैं खाना वाना बनाऊंगी। जो भी कर रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी सबसे पहले ये घर साफ कर रही हूँ। देखिए, मेरे हस्बैंड के ऑफिस से ये गिफ्ट दिया है, चॉकलेट का डब्बा है, इसमें बहुत सारे चॉकलेट है, कुछ कुछ खा भी लिया है, बहुत फ्लेवर का चॉकलेट है इसमें। इसमें पिस्ता फ्लेवर का चॉकलेट है, फिर रोज पिस्ता फ्लेवर का चॉकलेट है, और फिर कैरामेल है, तो दो तीन मतलब दो तीन टाइप के फ्लेवर का इसमें चॉकलेट है। ये देखिए, ये जो बॉक्स है ये दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा बॉक्स में इतना अच्छा है, ये किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं, तो हस्बैंड को भी ये गिफ्ट पर्पस मिला है। अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, सैंडविच खा रही हूँ। अभी बेटे को भी वही दिया है टिफिन में, और हस्बैंड भी वही ब्रेकफास्ट करके गया है। अभी मैं ब्रेकफास्ट में वो सैंडविच, उसके साथ आपका गुलाब जामुन और थोड़ा सा भुजिया ले लिया है, आलू भुजिया जो होता है। ब्रेकफास्ट मेरा हो गया है, अभी खाना बनाने का काम सिर्फ बाकी है, तो सोच रही हूँ शाम को थोड़ा डोसा बनाऊंगी। इसके लिए कोकोनट चटनी रेडी कर लेती हूँ, और कोकोनट चटनी के लिए मैंने लिया है थोड़ा सा भुने हुए बादाम, भुने हुए चना, और साथ में कोकोनट, थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा चीनी डाल दिया है, और साथ में थोड़ा सा पानी दिया है। बस ये पेस्ट हो जाए, कोकोनट चटनी बनाने के लिए जो पेस्ट था वो रेडी हो गया है। अभी इसमें तड़का लगाने के लिए मैंने एक मिर्ची लिया है, और साथ में थोड़ा सा सरसों की राई और थोड़ा सा धुले हुए करी पत्ते ले लिया है। इसको थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी, फिर ये जो नारियल की चटनी रखा है इसमें डाल दूँगी। बस ये एकदम रेडी हो जाएगा, टेस्टी टेस्टी नारियल की चटनी। इधर कोकोनट चटनी का तड़का रेडी हो गया है, और देखिए उधर कुकर में मैंने एक्चुअली आलू बॉईल करने के लिए दिया है। सोच रही हूँ शाम को जो डोसा बनाऊंगी वो प्लेन डोसा नहीं, मसाला डोसा बनाऊंगी, तो इसलिए आलू बॉईल कर लिया है। अभी ये मसाला जो है आलू, मतलब आलू का जो मसाला है वो रेडी करूंगी। आलू के मसाले रेडी करने के लिए मैंने कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है, और उसमें मैंने 2 मिर्ची, थोड़ा सा सरसों की राई, थोड़ा सा जीरा और एकदम ज़रा सी मेथी डाल दिया है। साथ में करी पत्ता तो डालना ही पड़ेगा, इसके बिना साउथ इंडियन खाना पूरी नहीं होती है, तो करी पत्ता भी डाली हूँ। और उसके फ्राई होने के बाद मैंने थोड़ा सा बादाम, थोड़ा सा उड़द की दाल और थोड़ा सा चना दाल डाल दिया है, और ये सब कुछ फ्राई होने के बाद इसमें मैं आलू को हाथों से थोड़ा सा स्मैश करके डाल रही हूँ, और इसमें थोड़ा सा मैं टमाटर डाल दूंगी, और साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दूंगी। बस ये सब कुछ अच्छे से मिक्स्ड हो जाए, आलू थोड़ा सा फ्राई हो जाए, और हमारा मसाला डोसे का मसाला रेडी हो जाएगा। ओहो, मैं एक मेन चीज़ तो आलू के मसाले में डालना ही भूल गई, वो है प्याज। तो मैं आलू को साइड करके अभी थोड़ा सा प्याज को फ्राई कर लूँगी ऑयल डाल के, उसके बाद ये जो आलू है इसके साथ मिक्स कर दूंगी। बस ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, एकदम टेस्टी टेस्टी आलू के मसाला रेडी हो जाएगा। लंच मेरा रेडी हो गया है, और लंच के लिए मैंने 2 फिश फ्राई किया है, और थोड़ा सा लेटस काट लिया है, और एक को बॉइल्ड किया है, और थोड़ा सा जो आलू मसाला बनाई थी मतलब डोसे का, उसमें से थोड़ा सा आलू रख दिया है बॉयल्ड आलू, उसके साथ थोड़ा सा प्याज और मिर्ची फ्राई कर लिया है, आलू के चोखा बनाऊंगी, थोड़ा सा साग फ्राई किया है, थोड़ा सा भिंडी मसाला बनाया है, और ये देखिए इधर
जो रात को डोसा बनाऊंगी उसके लिए ये मसाला रेडी है, आलू का जो मसाला है और थोड़ा सा मैंने दाल तड़का लगा के बनाया है। और ये एक्चुअली सुबह बॉयल दाल मेरे हस्बैंड ले जाते हैं तो उसमें से मैं थोड़ा सा रख देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड का जो लंच का डब्बा है वो पूरा भर जाता है तो ये बच जाता है, तो रोज़ थोड़ा थोड़ा बच ही जाता है तो मैं रख देती हूँ। और ये देखिए, ये बेटे के लिए मैंने खाना सर्व कर दिया है और उसको देने के बाद मैं भी अपने लिए खाना ले लूँगी। एक्चुअली बहुत तेज़ी से भूख लग गया है और वेट नहीं कर पा रही हूँ, अभी खाना खा लूँ फिर आप लोगों के साथ मैं बात करती हूँ। लंच करने के बाद मैंने अपना छोटा मोटा काम निपटा के थोड़ी देर रेस्ट ले लिया था और अभी शाम हो गया है। और शाम को मैं जब उठी देखा मैंने हस्बैंड ऑफिस से आते समय दो ब्रेड लाया है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड के ऑफिस के सामने मैंने कहा था लूलू है तो वहाँ से बहुत कुछ लाते हैं, तो आज ब्रेड लाए हैं। और अभी मैं दिया दिखा दिया है और दिया दिखाने के बाद मैं अभी बेटे के लिए मसाला डोसा बनाऊंगी। मेरा बेटा वेट कर रहा है मम्मी कब मुझे वो मसाला डोसा बना के देगी और मैं खाऊंगा। डोसा मेरा फ्राई हो रहा है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा आलू का जो मसाला है वो डाल के दोनों साइड से फोल्ड कर लिया है और थोड़ी देर पका लूँगी, मतलब ऑयल में थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी तो डोसा एकदम रेडी हो जाएगा। और एक्चुअली ये जो डोसे का बैटर है ये मैंने रेडीमेड पैकेट लाई थी शॉप से, उसको पानी में घोल के बनाया है बैटर रेडी करके। अभी मेरे बेटे का मसाला डोसा रेडी है और सांभर मेरे बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको सिर्फ कोकोनट चटनी पसंद है, तो मैंने उसको कोकोनट चटनी के साथ ये डोसा सर्व कर दिया है। डोसा पाके मेरा बेटा बहुत खुश है। बेटा डोसे के साथ साथ चॉकलेट का डब्बा लेके बैठा है। मैंने पूछा क्या करना है, कहा कि एक चॉकलेट खा के मुंह मीठा कर लूँ फिर उसके बाद डोसा खाऊंगा। एक्चुअली मेरा बेटा कुछ नया चीज़ आता है तो एक दो दिन खाता है फिर उसके बाद उसकी और नहीं देखता है। बेटे का डोसा सर्व करने के बाद हम लोगों के लिए चाय बना लिया है। चाय पीने के बाद थोड़ी देर रेस्ट लिया, फिर हस्बैंड ने कहा थोड़ा मोजिटो बनाओ। एक्चुअली अभी बहुत गर्मी है और घर में सब कुछ अवेलेबल था मोजिटो बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा मोजिटो बना देती हूँ। मेनली मिंट अवेलेबल था तो इसलिए बनाया है। गर्मी के टाइम बहुत राहत मिल जाते हैं थोड़ा सा ठंडी पीने से। तो आज के वीडियो यही तक था। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए बाय।